सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम है आपका माय एग्ज़ाम सॉल्यूशंस में। एंड मैं प्रेरणा सिंह आज आपके लिए लेके आई हूँ MPS 001 राजनीतिक सिद्धांत का चैप्टर 4 स्वतंत्रता। सो स्टूडेंट्स, अगर आपने इससे पहले के चैप्टर्स को अभी तक अगर आपने रीड नहीं करा है तो पहले आप उनको चैप्टर्स को पढ़िए, क्योंकि जब तक आप पहले के चैप्टर्स नहीं पढ़ेंगे तो आपको आगे के चैप्टर्स बिल्कुल भी समझ में नहीं आएंगे। ठीक है, तो आपको फर्स्टली उन चैप्टर्स को आपको पढ़ना है। अगर जो भी आपको इसमें इंपॉर्टेंट लगता है आप उसको वीडियो को पॉज करके आप वो नोट्स को लिख भी सकते हो। ठीक है, अगर आपने नहीं देखी है वो वीडियोस तो मैं आपको उसका लिंक में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मैं आपको प्रोवाइड करवा दूँगी। एंड आई बटन पर आप क्लिक करके उन वीडियोज़ को भी आप देख सकते हो। तो फर्स्टली स्टूडेंट्स, मैं आपको ये बता दूँ कि कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो हम आज की वीडियो में कवर करेंगे। सो फर्स्ट टॉपिक है स्टूडेंट्स आपका स्वतंत्रता का अर्थ, स्वतंत्रता के दो रूप, स्वतंत्रता के विभिन्न प्रकार, कानून एवं स्वतंत्रता में संबंध। सो स्टूडेंट्स, ये चार टॉपिक्स हैं जो हम आज की वीडियो में कवर करेंगे चैप्टर 4 में। आपको स्टार्टिंग से लेकर एंड तक वीडियो आपको देखना है, बीच में बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जिनको राजनीतिक सिद्धांत के बारे में बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है। कभी कभार आप लोग क्या करते हो, फ्रेंड्स ग्रुप के मतलब जैसे फ्रेंड्स ग्रुप ने अगर MPS लिया तो आप भी फिर MPS ही लोगे, बट आपको उस चीज़ के बारे में पता ही नहीं है। तो यहाँ पे मेरे वीडियोस के थ्रू आपको वो नोट्स मिलेंगे जहाँ पे आपको इजी लैंग्वेज आपको समझ में आएगी और आप अच्छे से अपने एग्ज़ाम में भी प्रिपरेशन कर पाएंगे। ठीक है, तो आपको वीडियो को बीच में स्किप नहीं करना है, हम आगे चलते हैं, इन टॉपिक्स को क्लियर करते हैं एक एक करके। जो भी आपको जब मैं बोलती हूँ कि ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है तो आप प्लीज़ अपनी नोटबुक पर भी इसको लिख लीजिएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सो स्टूडेंट्स, फर्स्ट टॉपिक है आपका स्वतंत्रता का अर्थ। स्वतंत्रता क्या होती है, उसका क्या अर्थ है, तो हम ये जानेंगे। स्वतंत्रता को अंग्रेजी भाषा में लिबर्टी कहते हैं। लिबर्टी शब्द लैटिन भाषा के शब्द से निकला है, जिसका अर्थ है पूर्ण स्वतंत्रता अथवा किसी प्रकार के बंधनों का ना होना। इस प्रकार का स्वतंत्रता का अर्थ लिया जाता है। ठीक है, तो स्वतंत्रता का जो अर्थ है उसको अंग्रेजी भाषा में लिबर्टी कहते हैं, और लिबर्टी जो शब्द है वो लैटिन भाषा, ठीक है, जो लैटिन भाषा है वहाँ से निकला है, जिसका अर्थ होता है पूर्ण स्वतंत्रता अथवा किसी प्रकार के बंधनों का ना होना। यानी कि स्वतंत्रता का अर्थ है जहाँ पे कोई भी प्रतिबंध ना हो, कोई भी बंधन ना हो, वो स्वतंत्रता कहलाती है। व्यक्ति को अपनी इच्छा अनुसार कार्य करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए, उस पर कोई बंधन अथवा रुकावटें नहीं होनी चाहिए। परंतु स्वतंत्रता का ये अर्थ गलत है। ठीक है, अगर मैं आपको ये बोलूँ कि आपको सारी स्वतंत्रता है, आप अपनी इच्छा अनुसार जो भी आपको कार्य करने हैं वो आप कर सकते हो, वो स्वतंत्रता है, तो आपका ये अर्थ जानना बहुत ही ज़्यादा गलत होगा, क्योंकि स्वतंत्रता ये नहीं हो सकती। अगर स्वतंत्रता में कोई बंधने नहीं होंगी, कोई रुकावटें नहीं होंगी, तो फिर तो इंसान कुछ भी कार्य करेगा, अपनी इच्छा के अनुसार कार्य करेगा जो उसको करना है। तो हमें ऐसी स्वतंत्रता रखनी ही नहीं है अपने देश में। ठीक है, हमें ऐसी स्वतंत्रता रखनी है जहाँ पर कुछ बंधन भी हो, जहाँ पर कुछ प्रतिबंध भी हो। ठीक है, तो वो क्या हो गई, स्वतंत्रता हो गई। लेकिन स्वतंत्रता एक तरीके से वो भी ऐसे नहीं कि बिल्कुल ही हम बंधनों में रह रहे हैं। ठीक है, वो नहीं हो सकता कि बिल्कुल ही हम बंधनों में रह रहे हैं। कुछ हमें हमारे अधिकार होते हैं, मनुष्य के अधिकार होते हैं, जिनसे वो अपने व्यक्तित्व का विकास करते हैं। ठीक है, तो हमें स्वतंत्रता का सही अर्थ में लेके जाना है, ना कि हमें ये समझ रहे कि हमें अपनी इच्छा अनुसार जो भी हमें कार्य करने हैं। अगर आप ये सोच रहे हो कि हाँ भाई मेरे को तो पूरी स्वतंत्रता है, मैं किसी का भी मर्डर कर सकता हूँ, ठीक है, तो वो आपकी स्वतंत्रता नहीं होगी। जहाँ पे कुछ बंधन है, जहाँ पे कुछ कानून है, ठीक है, वो आपकी स्वतंत्रता होती है, लेकिन आपके व्यक्तित्व का विकास हो रहा है। ठीक है, तो वो हो गई आपकी स्वतंत्रता। आगे देखते हैं स्वतंत्रता के दो रूप। स्वतंत्रता के दो रूप, इन शब्दों के आधार पर स्वतंत्रता के दो अलग अलग रूप माने जाते हैं। एक होता है नकारात्मक पहलू और एक होता है सकारात्मक पहलू। इन दो रूपों को संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है। ठीक है, स्वतंत्रता के दो रूप होते हैं, पहला होता है नकारात्मक और दूसरा होता है सकारात्मक। नकारात्मक को हम पहले पढ़ लेते हैं। स्वतंत्रता के इस रूप का मतलब है एक व्यक्ति पूरी तरह से स्वतंत्र है, उसे जो कुछ करना है उसे करने का अधिकार है। सामान्य शब्द में मनुष्य पर किसी प्रकार का कोई प्रतिबंध होता है और वह अपनी मनमानी कर सकता है। देखिए, नकारात्मक पहलू की अगर हम बात करें तो नकारात्मक पहलू में मनुष्य को सभी कार्य करने की छूट होती है, जो भी उसको कार्य करना है अपनी इच्छा के अनुसार, तो वो हो गया हमारा नकारात्मक पहलू। दूसरा है सकारात्मक पहलू।
स्वतंत्रता का सकारात्मक पहलू ये है कि व्यक्ति को वह सब करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए जो वह करने के योग्य है। दूसरे शब्दों में इसका अर्थ है व्यक्ति से अनैतिक, निरकुश और अन्यपूर्ण प्रतिबंधों को हटाया जाना चाहिए। देखिए, सकारात्मक पहलू वह पहलू है जिसमें व्यक्ति को वो अधिकार है, वो स्वतंत्रता है, जो भी उसके करने योग्य कार्य है, ठीक है, मनुष्य के जो भी अधिकार है उसको वो पूरी स्वतंत्रता है, वो कर सकता है, ठीक है। लेकिन जो उसके अधिकार से बाहर है, जो कानून में आता है, वो वह कार्य नहीं कर सकता, तो वो होता है हमारा सकारात्मक पहलू में। लेकिन नकारात्मक पहलू में कोई भी प्रतिबंध नहीं है, कोई भी बंधन नहीं है, कोई भी चीज़ हस्तक्षेप नहीं कर सकता, तो वो हमारी स्वतंत्रता का गलत अर्थ होगा नकारात्मक में, ठीक है। तो हमें क्या करना है, सकारात्मक स्वतंत्रता के साथ हमें चलना है आगे, हम नकारात्मक के साथ नहीं रह सकते बिल्कुल भी, ठीक है। तो आई होप आपको दोनों में डिफरेंस आपको समझ में आया होगा। मैं आपको एक उदाहरण और देती हूँ सकारात्मक का। देखिए, ये होता है कि अगर कोई व्यक्ति गाने सुन रहा है या फिर गाने बजा रहा है, अगर उसको किसी दूसरे व्यक्ति को हस्तक्षेप हो रहा है, वो दूसरा व्यक्ति परेशान हो रहा है, तो वो तो भाई बोलेगा, ठीक है, वो उसका अधिकार है कि भाई मैं परेशान हो रहा हूँ, ठीक है, कि मेरी स्वतंत्रता है, मुझे आप अगर दूसरे के कार्यों को बेकार कर रहे हो तो वो आपके स्वतंत्रता के योग्य कार्य नहीं होंगे, ठीक है। तो आपको क्या करना है, ऐसी स्वतंत्रता को अपनाना है जहाँ पे आप भी अपना कार्य कर पाएँ और दूसरा भी डिस्टर्ब ना हो, ठीक है, दूसरे के काम में भी कोई भी रुकावट ना आए। तो आपको इस तरीके से कार्य अपना करना है। आप देखिए आगे, समाज में रहने वाले लोगों को केवल उतनी ही स्वतंत्रता प्राप्त होनी चाहिए जो उनके व्यक्तित्व के विकास के लिए आवश्यक है। इस लाइन को स्टूडेंट्स हम ध्यान से समझते हैं। समाज में रहने वाले लोगों को केवल उतनी ही स्वतंत्रता प्राप्त होनी चाहिए जो उनके व्यक्तित्व के विकास के लिए आवश्यक हो। सही बात है, अगर हम किसी व्यक्ति को बहुत ही ज़्यादा स्वतंत्रता दे रहे कि भाई आप कुछ भी कर सकते हो, तो वो सभी के जीवन के लिए और उसके जीवन के लिए भी काफ़ी ज़्यादा हानिकारक मानी जाएगी। तो हमें क्या करना है, समाज में केवल उतनी ही स्वतंत्रता देनी चाहिए, उतनी ही अधिकार देने चाहिए जिससे व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का विकास कर पाए और दूसरों की उसी प्रकार की स्वतंत्रता के रास्ते रुकावट में बननी चाहिए। नकारात्मक प्रकृति की स्वतंत्रता संगठित मानव समाज में संभव नहीं हो सकती। सकारात्मक प्रकृति की स्वतंत्रता ही संगठित है सामाजिक जीवन में उपलब्ध हो सकती है, ठीक है। देखिए, जो नकारात्मक स्वतंत्रता है वो आज के जीवन में तो बिल्कुल भी संभव नहीं है। क्यों संभव नहीं है, अगर हम मनुष्य को उसकी मर्जी के अनुसार ही कार्य करने देंगे तो मनुष्य फिर अपनी ही तानाशाही चलाएगा, वो अपनी ही तानाशाही करेगा, फिर कानून क्यों बनाया गया है संविधान में, तो होना ही नहीं चाहिए, ठीक है। तो आज के समाज में, हमारे देश में सकारात्मक जो स्वतंत्रता है उसको अपनाया गया है, कुछ प्रतिबंध है, कुछ बंधन है, ठीक है, कुछ हमारे में क्या होता है, बंधन हमारे में लगा रखे कि आपको जो भी आपके व्यक्तित्व का विकास करे आप वो कार्य कर सकते हैं, लेकिन अगर कुछ ऐसे कार्यों से जो दूसरे व्यक्ति को हस्तक्षेप हो रहा है तो आपको वो कार्य करने की स्वतंत्रता बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। आई होप आपको यहाँ पे सकारात्मक और नकारात्मक में दोनों में आपको अंतर समझ में आया होगा। आज के टाइम पे जो हमारी स्वतंत्रता है वो है सकारात्मक में, ओके। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है आपका स्वतंत्रता के विभिन्न प्रकार। प्राकृतिक स्वतंत्रता से अभिप्राय है कि मनुष्य को राज्य की उत्पत्ति से पूर्व प्राकृतिक अवस्था में पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त थी। सामाजिक समझौते के सिद्धांत के लेखकों के अनुसार मनुष्य की प्रकृति ने स्वतंत्र से पैदा किया है। रूसों ने उन्हें प्राकृतिक स्वतंत्रता पर जोर दिया है। देखिए, प्राकृतिक स्वतंत्रता मनुष्य को उसके जीवन के साथ ही मिल जाती है, ठीक है। जो प्राकृतिक स्वतंत्रता है वो मनुष्य को उसकी जैसी उसका जन्म होता है, जैसी उसकी उत्पत्ति होती है, उसको स्टार्टिंग से ही मिल जाती है। जैसा कि यहाँ पे लिखा भी है, प्राकृतिक स्वतंत्रता से अभिप्राय है कि मनुष्य को राज्य की उत्पत्ति से पूर्व प्राकृतिक अवस्था में पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त थी। सामाजिक समझौते के सिद्धांत के लेखकों के अनुसार मनुष्य को प्राकृतिक स्वतंत्रता उसके पैदा होते ही मिल जाती है। रूसों ने, ठीक है, जो रूस है,
रूसो ने प्राकृतिक स्वतंत्रता पर ज़्यादा जोर दिया है। उसके अनुसार मनुष्य स्वतंत्र उत्पन्न होता है, परंतु प्रत्येक स्थान पर वह बंधन में बंधा हुआ है, परंतु प्राकृतिक स्वतंत्रता का विचार आज मान्य नहीं है। देखिए, जो रूस है, रूसो ने प्राकृतिक स्वतंत्रता पर ज़्यादा जोर दिया है। उन्होंने ये कहा है कि मनुष्य को जो स्वतंत्रता है वो उसके जन्म के साथ ही मिल जाती है, ठीक है। वह अपने जन्म के साथ ही जो भी उसको अपनी इच्छा अनुसार जो भी उसको अपना कार्य करना है वह अपना कार्य कर सकता है। लेकिन आज के टाइम पे जो स्वतंत्रता है उसमें कुछ बंधन भी है, ठीक है, उस पर कुछ प्रतिबंध भी लगे हुए हैं। तो वो क्या है, एक तरीके से हमारे हम कभी कभार क्या होता है, कुछ ऐसे बंधन भी होते हैं जिससे व्यक्ति अपना विकास नहीं कर पा रहा है, ठीक है। तो लेकिन हमारे जीवन में कुछ बंधन होना, कुछ कानून होना भी बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। अगर हम पूरी ही स्वतंत्रता प्राप्त कर लेंगे तो फिर तो सभी की तानाशाही चलेगी, सब अपना अपना कार्य करेंगे, सब अपनी इच्छा अनुसार कार्य करेंगे, ठीक है। तो प्राकृतिक स्वतंत्रता वो स्वतंत्रता है जो हमें जन्म के साथ ही मिल जाती है, लेकिन कुछ बंधन होते हैं, कुछ हमारे हस्तक्षेप होते हैं, कुछ हमारे प्रतिबंध होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका नागरिक स्वतंत्रता। नागरिक स्वतंत्रता का अभिप्राय उस स्वतंत्रता से है जो संगठित समाज को सदस्य होने के नाते प्राप्त होती है। नागरिक स्वतंत्रता वह स्वतंत्रता होती है, आप जिस देश में रह रहे हो आप उस देश के नागरिक हो, ठीक है। आप जैसे उस देश के नागरिक या सदस्य होते तो वो आपको नागरिकता इजीली प्राप्त हो जाती है, ठीक है। नागरिक स्वतंत्रता को सीधे शब्दों में समाज से प्राप्त स्वतंत्रता कह सकते हैं। नागरिक स्वतंत्रता राज्य के अंदर रहने वाले सभी व्यक्तियों को प्राप्त होती है। नागरिक स्वतंत्रता में व्यक्तिगत स्वतंत्रता, जीवन की स्वतंत्रता, संपत्ति रखने की स्वतंत्रता, भाषण देने की स्वतंत्रता, घूमने फिरने की सम्मिलित है। देखिए, अगर आप किसी समाज में रहते हैं, आप किसी समाज में रह रहे हैं तो आप वहाँ के नागरिक हो गए, ठीक है। आप अगर देश में रह रहे तो आप नागरिक हो गए, वहाँ के भारत के नागरिक हो गए, ठीक है। तो आपको ये अधिकार है, आपको ये स्वतंत्रता है कि आपको जहाँ भी घूमना फिरना है आप घूम सकते हैं, इसकी आपको स्वतंत्रता है। अगर आपको कहीं भी समुदाय बनाने तो वो आपको अधिकार है, ठीक है। अगर आपको चुनाव में भाषण देना है या फिर अपने विचारों को प्रकट करना है तो वो भी आप कर सकते हैं। आपको अपने जीवन की स्वतंत्रता है, आप कुछ भी करना चाहते हैं अपने जीवन में वो आप कर सकते हैं अपने व्यक्तित्व के विकास के लिए, ठीक है। व्यक्तित्व के विकास के लिए आप ये याद रखना, स्वतंत्रता वही चीज़ है जहाँ पे आपका विकास हो रहा हो, ना कि दूसरे का नुकसान हो रहा हो, ठीक है। आपको वो कार्य करने जो आपके योग्य है, आपको वो कार्य नहीं करने जो दूसरे को नुकसान पहुँचा रहे हैं। तो यहाँ पे आपको समझ में आया होगा, नागरिक स्वतंत्रता वह स्वतंत्रता है जहाँ पे बिना किसी भेदभाव के सभी व्यक्तियों को ये अधिकार है, ये स्वतंत्रता है कि वे अपने जीवन की स्वतंत्रता रख सके, अपनी संपत्ति की स्वतंत्रता रख सके, भाषण देने का उसको अधिकार है, और भारत के किसी भी कोने में उसको घूमने फिरने का अधिकार प्राप्त होता है। यानी कि उसको पूरी स्वतंत्रता है, वो भारत के किसी भी कोने में रह सकता है, अपना घर वो बसा सकता है। नेक्स्ट है आपका राजनीतिक स्वतंत्रता। राजनीतिक स्वतंत्रता का अभिप्राय उस स्वतंत्रता से होता है जिसके द्वारा नागरिक देश के शासन में भाग ले सकता है, ठीक है। तो राजनीतिक स्वतंत्रता वो स्वतंत्रता है, जैसी हमारे देश का नागरिक, अगर कोई व्यक्ति है, अगर वो 18 वर्ष से ऊपर है तो वो राजनीतिक में भाग ले सकता है। अगर उस किसी को चुनाव लड़ना है या फिर चुनाव में भाग लेना है, वोट देना है, तो अगर उसकी आयु 18 वर्ष से ऊपर है तो उसको स्वतंत्रता है कि वह राजनीतिक में अपना भाग ले सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए लिखा है लॉस्की के अनुसार, लॉस्की कौन है, एक लेखक है, उनके अनुसार राजनीतिक स्वतंत्रता का अर्थ राज्य के कार्यों में क्रियाशील होना है। राजनीतिक स्वतंत्रता अंकित अधिकारों से संबंध रखती है। तो यहाँ पे मैंने कुछ अधिकार यहाँ पे लिखे हैं जहाँ से आपको ईजिली समझ में आ जाएगा कि राजनीतिक स्वतंत्रता क्या है। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स मैंने कुछ पॉइंट्स दे रखे हैं जहाँ से आपको ईजिली समझ में आएगा कि राजनीतिक स्वतंत्रता क्या है, ठीक है। पहला पॉइंट है यहाँ पे, नागरिकों को कानून बनाने वाली सभाओं के प्रतिनिधि चुनने का अधिकार प्राप्त होता है, अर्थात नागरिकों को वोट डालने का अधिकार दिया जाता है। देखिए, सभी नागरिक को ये अधिकार है चुनाव में जिस भी व्यक्ति को उसको वोट देना है वह व्यक्ति उसको वोट दे सकता है, जिसको भी उसको प्रतिनिधि बनाना है, जिसको भी आगे उसको लेके जाना है। तो ये नागरिक की स्वतंत्रता है, वह जिस भी व्यक्ति को वोट देना चाहता है, जिस भी व्यक्ति को बहुमत देना चाहता है तो वह दे सकता है, उसको खुली छूट है, उसको पूरी स्वतंत्रता है, ठीक है। किसी भी वो व्यक्ति को चुन सकता है, प्रतिनिधि को चुन सकता है। तीसरा है, प्रार्थना पत्र देने का अधिकार है उसको,
सार्वजनिक पद प्राप्ति का अधिकार है। अगर कोई व्यक्ति चुनाव लड़ना चाहता है, वे अपने आप को चुनाव में लाना चाहता है, तो वो भी उसके पद के लिए लड़ सकता है, उसको वो अधिकार है राजनीति में आने का। सरकार की नीतियों की आलोचना करने का अधिकार। देखिए, कभी कभार क्या होता है, कुछ सरकार ऐसी भी होती है जो राज्य को या फिर सरकार को भ्रष्ट कर देती है, ठीक है। लेकिन हमें क्या करना है, अगर आपको कोई भी सरकार अच्छी नहीं लगनी है, तो नागरिक को ये अधिकार है, पूरी स्वतंत्रता है कि वह उस सरकार की आलोचना कर सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका राजनीतिक दल को बनाने का अधिकार। यानी कि अगर कोई व्यक्ति अपना खुद का दल बनाना चाहता है, तो वो उसको पूरी पूरी स्वतंत्रता है कि वो अपना दल बना के अपने समाज में जिस जिस व्यक्ति को वह अपने दल में रखना चाहता है, तो वो रख सकता है, उसको वो भी अधिकार है। एक तरीके से उसको चुनाव लड़ने का भी अधिकार है। तो यहाँ पे मैंने आपको कुछ 6 पॉइंट्स बताए जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगर आप चाहो तो आप राजनीतिक स्वतंत्रता के पॉइंट में आप लिख सकते हो, ठीक है। क्योंकि क्या ये आपको शायद सेपरेट में भी आ सकता है आपके एग्ज़ाम में कि राजनीतिक स्वतंत्रता क्या है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका आर्थिक स्वतंत्रता। आर्थिक स्वतंत्रता का अर्थ है स्वतंत्र प्रतियोगिता नहीं है। देखिए, आर्थिक स्वतंत्रता का अर्थ स्वतंत्र प्रतियोगिता नहीं है। आर्थिक स्वतंत्रता का अर्थ है कि नागरिक को बेरोजगारी तथा भूख से मुक्ति प्राप्त हो। अब मैं आपको बताती हूँ स्टूडेंट्स, हमारे देश में कुछ ऐसे भी लोग हैं, कुछ ऐसे भी व्यक्ति हैं जो बेरोज़गार हैं, जो एक टाइम की रोटी भी नहीं खा पा रहे। तो आप समझ सकते हो, कुछ लोग तो इतने अमीर हैं जो है उनके पास अनलिमिटेड चीज़ें, लेकिन हमारे देश में कुछ ऐसे भी नागरिक हैं जो बेरोज़गार हैं, जिनके पास घर नहीं है, खाने को रोटी नहीं है। तो हमें क्या करना है, राज्य का ये अधिकार बनता है, राज्य का ये तरीके से कार्य बनता है कि वह जो भी बेरोज़गारी है राज्य में, उससे मुक्ति प्राप्त करे, ठीक है। लोगों को कार्य मिले, लोगों की जो भूख है उसको मिटाया जाए। तो जो भी व्यक्ति है, जो भी नागरिक है, उनकी जो बेरोज़गारी है उसको एक तरीके से हटाया जाए, उसको मुक्त करा जाए, ठीक है। प्रत्येक नागरिक को काम करने के समान अवसर प्राप्त होने चाहिए। आर्थिक स्वतंत्रता से काम करने के निश्चित घंटे, न्यूनतम वेतन, काम करने का अधिकार, बेकारी की दशा में निर्वाह भत्ते का अधिकार शामिल होता है। देखिए, यहाँ पे बताया गया है सभी नागरिक को ये अवसर मिलने चाहिए, सभी नागरिक को ये अवसर मिलने चाहिए कि वह जो भी कार्य अपना करना चाहता है, वह अपना कार्य कर सकता है, जिस भी कार्य से उसको न्यूनतम मिल रहा हो, ठीक है। अब मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। कोई व्यक्ति है, वह किसी शॉप पे गया, उसने बोला कि भैया मुझे कुछ काम दे दो, मैंने खाना नहीं खाया है, मुझे आप 1 घंटे का काम दे दो। अब वो कह बोलेगा चलो ठीक है भाई, जो भी काम वगैरह, बर्तन धोना, जो भी कुछ काम है वो उसको दे देगा दुकान वाला। लेकिन अगर वो जितने भी घंटे उसने काम करा, अगर उसको की न्यूनतम वेतन नहीं मिलती है, तो क्या वो उसकी स्वतंत्रता है? नहीं, ठीक है। जो भी व्यक्ति जो भी कार्य कर रहा है, उसका न्यूनतम एक वेतन होता है, उसको देना चाहिए, ठीक है। जितने भी घंटे उसने काम करा, उस घंटे के अनुसार, ठीक है, उस घंटे के समान उसको जो भी उसका वेतन बनता है, जो भी उसकी सैलरी बनती है, वो देनी चाहिए, ठीक है। क्योंकि कभी कभार कुछ ऐसे भी लोग हैं जो कार्य तो करवा लेते हैं, जो अपना काम तो करवा लेते हैं, लेकिन जो उनका वेतन बनता है वो उनको बिल्कुल भी नहीं देने। तो हमारा ये कहना है कि जो भी हमारी आर्थिक स्वतंत्रता है, जो भी हमारे नागरिक हैं, जो भी बेरोज़गारी से गुजर रहे हैं, जो भूख से गुजर रहे हैं, हमें उस चीज़ से मुक्ति प्राप्त करनी है, और सभी लोगों को एक अच्छा रोज़गार देना है, जिससे वे अपना भी विकास कर पाए और अपने परिवार को भी अच्छा, अपने परिवार का भी एक तरीके से अच्छा विकास कर पाए, ठीक है। तो आगे देखते हैं नैतिक स्वतंत्रता। नैतिक स्वतंत्रता का अर्थ है कि व्यक्ति को सत्य असत्य, नैतिक अनैतिक, अधर्म धर्म, उचित अनुचित में निर्णय करने की स्वतंत्रता प्राप्त हो। नैतिक स्वतंत्रता से व्यक्ति अपनी आत्मा का विकास कर सकता है। ग्रीन बॉस के आदि लेखकों ने व्यक्ति की नैतिक स्वतंत्रता पर बहुत ज़्यादा जोर दिया है। देखिए, नैतिक स्वतंत्रता वह स्वतंत्रता है, व्यक्ति को ये अधिकार है कि जो भी उसको अपने विचार रखने हैं, सत्य असत्य, नैतिक अनैतिक, धर्म अधर्म, तो सभी व्यक्ति को ये अधिकार है कि वे अपनी आत्मा का, वे अपने व्यक्तित्व का विकास कर सकता है। जो ग्रीन बॉस के है, जो कि लेखक है, और बहुत सारे लेखकों ने नैतिक स्वतंत्रता पर काफ़ी ज़्यादा जोर दिया है। ठीक है, आगे देखते हैं व्यक्तिगत स्वतंत्रता। व्यक्तिगत स्वतंत्रता वह स्वतंत्रता है, व्यक्ति को उन कार्य करने की स्वतंत्रता हो
उस तक ही सीमित हो। देखिए मैं आपको बताती हूँ, व्यक्तिगत स्वतंत्रता वह स्वतंत्रता है, व्यक्ति को वो कार्य करने की स्वतंत्रता है जो उसके कार्य करने योग्य है, ठीक है। अगर वह कार्य कर रहा है जो उसके योग्य है, दूसरे को नुकसान नहीं हो रहा है, ठीक है, तो वह व्यक्ति वो कार्य कर सकता है, उसको पूरी पूरी स्वतंत्रता है। अगर आपके किसी कार्य से, देखिए अगर आप, मैंने आपको स्टार्टिंग में एक एग्जांपल दिया था, अगर आप लोग गाने सुन रहे हो, ठीक है, अगर आप लोग गाने सुन रहे हो, अगर उस व्यक्ति को, दूसरे व्यक्ति को अगर उससे नहीं पसंद आ रहा कि भाई मेरे को नहीं पसंद आ रहा वो गाना, तो उसकी स्वतंत्रता आप लोग क्यों छीन रहे हो? वो तो उसकी स्वतंत्रता है ना, उसको नहीं पसंद आ रहा सॉन्ग, ठीक है। तो हमें क्या करना है, अपने जो भी कार्य करने योग्य कार्य वो आपको करने हैं जिससे दूसरे को हानि ना पहुँचे, दूसरे का नुकसान ना हो, तो हमें वो कार्य करने, ठीक है। यहाँ पे देखो लिखा भी है, उसी कार्य से किसी दूसरे व्यक्ति को हानि ना पहुँचे, ठीक है। तो आपको वो कार्य करने जो आप तक सीमित है, जो आपका विकास कर रहे हो, जो आपके मनपसंद है, लेकिन उस कार्य से किसी दूसरे व्यक्ति को हानि नहीं पहुँचनी चाहिए। लॉस्की है, लॉस्की ने व्यक्ति के स्वतंत्रता को निजी स्वतंत्रता का नाम दिया है। तो लॉस्की जो है, जो कि लेखक है, उन्होंने स्वतंत्रता को एक तरीके से निजी स्वतंत्रता का नाम दिया है। निजी स्वतंत्रता का अर्थ है उन कार्यों को करने की स्वतंत्रता जिनका परिणाम कि और उसी, मतलब दूसरे व्यक्ति को प्रभावित करे। देखिए जो लॉस्की है, उन्होंने व्यक्ति की स्वतंत्रता को निजी स्वतंत्रता का नाम दिया है। निजी स्वतंत्रता वह स्वतंत्रता है उन कार्य करने की स्वतंत्रता जिनके परिणाम से दूसरा व्यक्ति भी प्रभावित हो। देखिए कुछ ऐसे कार्य भी होते हैं, अगर आप समाज में आप रह रहे हैं तो कुछ ऐसे भी कार्य होते हैं जो आप करते हैं तो दूसरा व्यक्ति भी प्रभावित होता है कि हाँ भाई मुझे भी ये कार्य करना है, मुझे भी इस काम में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, तो आपको वो कार्य भी करने जिससे दूसरे व्यक्ति का भी विकास हो, ठीक है। लेकिन फिर आता है नेक्स्ट आपका राष्ट्रीय स्वतंत्रता। जिस प्रकार नागरिकों के विकास के लिए स्वतंत्रता आवश्यक है, उसी प्रकार राष्ट्र की उन्नति के लिए राष्ट्रीय स्वतंत्रता आवश्यक है। राष्ट्रीय स्वतंत्रता को अन्य सभी स्वतंत्रताओं का आधारभूत माना जाता है। राष्ट्रीय स्वतंत्रता का अर्थ है कि राज्य किसी देश के नियंत्रण में ना हो, अर्थात राज्य भारी रूप से स्वतंत्र और प्रभुसत्ता राज्य के पास हो। देखिए राष्ट्रीय स्वतंत्रता में ये बताया गया है कि जो हमारे देश में सरकार है, जो हमारे देश में राज्य है, वो एक तरीके से स्वतंत्र होना चाहिए। अगर देखिए वो स्वतंत्र होगा तो देश का कार्य बहुत अच्छे से होगा, अगर देश का कार्य अच्छे से हो रहा है तो व्यक्ति के विकास होगा, ठीक है। तो यहाँ पे यही बताया गया है कि जो भी हमारी सरकार होती है, जो भी हमारी राष्ट्रीयता होती है, जो भी राष्ट्रीय है, उसको एक तरीके से स्वतंत्र होकर हमें कार्य करने चाहिए जिससे नागरिकों का भी विकास हो और सरकार का भी विकास हो। तो यहाँ पे लिखा भी है राष्ट्रीय स्वतंत्रता को अन्य सभी स्वतंत्रताओं का आधारभूत माना जाता है, ठीक है। तो राष्ट्रीय स्वतंत्रता को सभी स्वतंत्रताओं को एक आधारभूत माना जाता है जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपका। राष्ट्रीय स्वतंत्रता का अर्थ राज्य किसी भी देश के नियंत्रण में ना हो। मैं आपको बताती हूँ यहाँ पे एग्जांपल, ये एक देश है, ठीक है, ये एक देश है और ये आ गया हमारा भारत। हमारे भारत के देश में एक लोकतांत्रिक शासन प्रणाली को अपनाया गया है जहाँ पे सभी व्यक्तियों को समान अधिकार प्राप्त हैं, ठीक है। ये मैंने आपको पहले के चैप्टर्स में भी बताया है कि हमारा जो देश है वो विभिन्नताओं से भरा हुआ देश है। अब ये जो भारत देश है हमारा, अगर ये किसी और के नियंत्रण में कार्य करेगा, ये दूसरा देश आ गया, ये हमारा भारत आ गया, अगर भारत किसी और के नियंत्रण में कार्य करेगा तो क्या भारत के नागरिकों का विकास हो पाएगा? नहीं। तो यहाँ पे ये बोला गया है कि राष्ट्रीय स्वतंत्रता में हमारा जो देश है, आप जिस देश में रह रहे हो वहाँ पे देश को भी स्वतंत्रता होनी चाहिए, वो किसी की भी नियंत्रण में कार्य ना करे, किसी के भी दबदबे में काम ना करे। क्योंकि आजकल अगर देखा जाए तो जो सबसे ज़्यादा अमीर है उसकी पावर मानी जाती है, वो सबसे ज़्यादा शक्तिशाली है, ठीक है। तो अगर आप देखें भी गवर्नमेंट में भी अगर आप देखें तो वहाँ पे भी सत्ता चलती है, सत्ता में क्या होता है, जो सबसे ज़्यादा पावरफुल है वो सबसे ज़्यादा बहुमत प्राप्त करेगा, ठीक है। तो हमें क्या करना है, राज्य को हमें ये बताना है कि आपको किसी के नियंत्रण में कार्य नहीं करना है। अगर आप स्वतंत्र होकर कार्य करेंगे, अगर आप स्वतंत्र होकर कानून बनाएंगे, तो हम जैसे व्यक्तियों का, जो नागरिक है, जो जिस देश में वो नागरिक रह रहे हैं, उसका भी विकास होगा, ठीक है। तो आपको ये जानना है। यहाँ पे आगे देखते हैं,
कानून ए स्वतंत्रता में संबंध, तो हमें यहाँ पे ये जानना है कि जो कानून है और स्वतंत्रता है उसमें क्या संबंध है, ठीक है, क्या रिलेशन है, ये जानना है। नागरिकों को स्वतंत्रता राज्य के अंदर रहकर ही प्राप्त होती है, ठीक है। आप किसी देश में रह रहे हैं, आप उस देश के नागरिक हैं, तो अगर आप उस देश के नागरिक हैं तो वहीं पे आपको स्वतंत्रता प्राप्त होगी, ठीक है। अगर आप दूसरे देश के नागरिक हैं तो वहाँ का कानून अलग होगा, वहाँ का संविधान अलग होगा, तो उसके अकॉर्डिंग आपको स्वतंत्रता मिलेगी। लेकिन अगर आप भारत के निवासी हो, अगर आप भारत के नागरिक हो, तो भारत के नागरिक होते हुए तो आपको तो स्वतंत्रता मिलनी ही मिलनी है। राज्य कार्यकारी द्वारा करता है, जो व्यक्ति कानूनों का उल्लंघन करते हैं राज्य उन्हें दंड देता है। अब प्रश्न ये उत्पन्न है कि कानून और स्वतंत्रता का पारस्परिक संबंध क्या है। देखिए, अगर कोई व्यक्ति कानूनों का उल्लंघन करता है, ठीक है, कानूनों का उल्लंघन करता है, वह कानून को नहीं मानता है, तो राज्य उसे दंड दे सकता है, ठीक है। अगर आप किसी देश में रह रहे हो तो उस देश के कुछ कानून भी होंगे, कुछ रूल्स भी होंगे। अगर आप उन कानूनों का उल्लंघन कर रहे हो तो आपको तो राज्य दंड देगा ही देगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे प्रश्न ये उत्पन्न होता है कि कानून और जो स्वतंत्रता है उसमें क्या संबंध है। इस प्रश्न का कोई निश्चित उत्तर देना कठिन है, ठीक है। अगर हम इसके उत्तर की बात करें तो ये इसके प्रश्न का उत्तर देना बहुत ही ज़्यादा कठिन रहेगा, ठीक है। सदा सत्य स्वतंत्रता का कानून साथ क्या संबंध है, इसके उत्तर में दो मुख्य विचारधाराएं हैं। एक विचार के अनुसार परस्पर विरोधी और दूसरे विचार के अनुसार इनमें गहरा संबंध। देखिए, इन संबंध को हम दो रूपों में जान सकते हैं, ठीक है। दो धाराएं अगर मैं आपको इसकी बताऊं तो एक धारा में हम ये जानेंगे कि इसके क्या संबंध है और दोनों में क्या विरोधी है, ठीक है। तो हमें ये जानना है स्वतंत्रता तथा कानून परस्पर विरोधी हैं। तो यहाँ पे हम बढ़ते हैं व्यक्तिवादियों को मत। 18वीं शताब्दी में व्यक्तिवादियों ने व्यक्ति की स्वतंत्रता पर जोर दिया है और ये कहा है कि राज्य के कानून व्यक्ति की स्वतंत्रता पर एक प्रतिबंध है, इसलिए व्यक्ति की स्वतंत्रता तभी सुरक्षित रह सकती है। देखिए, व्यक्तिवादियों का मत में ये कहा गया कि 18वीं शताब्दी में व्यक्तिवादियों ने ये कहा है कि जो स्वतंत्रता है, ठीक है, व्यक्तियों ने उस पर ज़्यादा जोर दिया है 18वीं शताब्दी में, तो राज्य क्या है, व्यक्ति के जो भी उसके अधिकार हैं, जो भी उसकी स्वतंत्रता है, उसको सुरक्षित करता है। अगर कोई कानून ही नहीं होगा, ठीक है, अगर कोई कानून ही नहीं होगा तो क्या वे व्यक्ति के जो भी उसकी स्वतंत्रता है, क्या वे उसका सुरक्षित कर पाएगा, उसको सेफ कर पाएगा, नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो 18वीं शताब्दी में व्यक्तिवादियों ने व्यक्ति की जो भी स्वतंत्रता है उस पर जोर दिया है, ठीक है। कानून जो है, जो राज्य है, वह नागरिक के जो भी उसके अधिकार है, उनके नागरिक के अधिकारों को क्या करता है, सुरक्षित करता है। जब राज्य अपनी सत्ता का प्रयोग कम से कम करे, अर्थात उनके मत अनुसार वे सरकार अच्छी है और जो कम से कम शासन करती है। देखिए, यहाँ पे ये बताया गया है कि वह सरकार जो अपनी सत्ता का कम प्रयोग करे, देखो कभी कभार क्या होता है, कुछ ऐसी सरकारें भी होती है जो अपने पद का गलत उपयोग करती है, समझ रहे हो। तो कुछ ऐसी भी सत्ता होती है, कुछ ऐसी भी सरकार आती है। तो लेकिन हमें यही जानना है कि अगर हमारे देश में अगर नागरिकों को स्वतंत्रता देनी है तो एक सत्ता ऐसी होनी चाहिए, एक सरकार ऐसी होनी चाहिए जो अपनी सत्ता का कम से कम प्रयोग करके ये जाने कि मतलब समाज क्या चाहता है, समाज की क्या इच्छा है, ठीक है। तो हमें उस तरीके से कानून बनाने, उस तरीके से उनके अधिकार बनाने जिससे व्यक्ति का भी विकास हो और उनके जो भी अधिकार है, जो भी उनको मौलिक अधिकार मिल रखे हैं नागरिकों को, उनको भी एक तरीके से सुरक्षित किया जाए, ठीक है। तो वो कौन करेगी, राज्य सरकार ही कर पाएगी। नेक्स्ट है आपका बहुलवादियों। बहुलवादियों का मत, बहुलवादियों का विचार है, राज्य के पास जितनी अधिक
देखिए नेक्स्ट है आपका बहुलवादियों, बहुलवादियों का मत, बहुलवादियों का विचार है, ठीक है। राज्य के पास जितनी अधिक सत्ता होगी, यहाँ पे सत्ता आएगा, जितनी अधिक सत्ता होगी उससे व्यक्ति की स्वतंत्रता उतनी ही कम होती है। जितना व्यक्ति अपनी जो भी सरकार है, जो भी राज्य है, अगर वो अपनी शक्ति का, जो भी उसको शक्ति दी गई, अगर वो उसका मतलब एक तरीके से गलत उपयोग करेगा तो उससे क्या होगा, ना तो स्वतंत्रता अपनाई जाएगी, ना तो उसकी स्वतंत्रता की रक्षा हो पाएगी, ठीक है। तो हमें क्या करना है, हमें ये बताना है कि राज्य को अपनी, राज्य जितनी अपनी सत्ता का कम से कम उपयोग करेगी उतनी ही वह व्यक्ति के जो भी उसके अधिकार हैं, जो भी उसकी स्वतंत्रता है उसको सुरक्षित कर पाएगी, और जिससे व्यक्ति भी अपना विकास कर पाएगा। तो एक तरीके से सब में कहना ये है कि अगर एक अच्छी सरकार होगी तो वह देश का विकास करेगी, एक अच्छी सरकार होगी तो वह व्यक्ति का विकास करेगी, ठीक है। तो यहाँ पर हमें इतना जानना है, आगे देखते हैं। स्वतंत्रता तथा कानून परस्पर विरोधी नहीं है, ठीक है। यहाँ पे मैंने आपको बताया कि वहाँ पे कानून एक विरोधी है, लेकिन हमें यहाँ जानना है कि जो स्वतंत्रता और कानून है वो आपस में विरोधी नहीं है। आधुनिक लेखकों के मत अनुसार स्वतंत्रता तथा कानून परस्पर विरोधी ना होकर परस्पर सहायक और सहयोगी है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें ये बताया गया है कि जो स्वतंत्रता और कानून है एक तरीके से वो सहयोगी भी हैं और वो संबंध भी रखते हैं और वो एक दूसरे के विरोधी नहीं हैं। जो लेखक कानून तथा स्वतंत्रता का परस्पर विरोधी मानते हैं वास्तव में स्वतंत्रता का गलत अर्थ समझते हैं। जो व्यक्ति ये सोचते हैं कि स्वतंत्रता और कानून आपस में विरोधी हैं तो उनको स्वतंत्रता का अर्थ पता ही नहीं है कि स्वतंत्रता क्या होती है, ठीक है। उनके अनुसार स्वतंत्रता का अर्थ प्रतिबंधों का अभाव है, परंतु स्वतंत्रता का यह सही अर्थ नहीं है। स्वतंत्रता का अर्थ यह है कि व्यक्ति को उन कार्यों करने की स्वतंत्रता हो जो उसे करने योग्य हो। तो मैंने आपको वही बताया कि व्यक्ति को वो अधिकार है, उसको पूरी स्वतंत्रता है वह कार्य करने की जो उसके करने योग्य है, जिससे दूसरे व्यक्ति का नुकसान ना हो, ठीक है। आपको ये याद रखना है, व्यक्तियों को दूसरे को हानि पहुंचाने का अधिकार प्राप्त नहीं है। तो मैंने आपको वही बताया, अगर आप कोई ऐसा कार्य कर रहे हैं जिससे दूसरे व्यक्ति को हानि पहुंच रही है तो आपको ये अधिकार नहीं है कि आप उसकी स्वतंत्रता के अधिकारों को उसका उल्लंघन करें, आप उसमें हस्तक्षेप करें, ठीक है। तो आपको ऐसा कार्य करना है जो आपके योग्य हों। व्यक्ति की स्वतंत्रता पर उचित तथा न्यायपूर्ण प्रतिबंधों का होना ही स्वतंत्रता है। देखिए मैं आपको बताती हूँ, स्वतंत्रता और कानून में संबंध ये है कि अगर स्वतंत्रता प्राप्त करनी है, अगर आपको स्वतंत्रता प्राप्त करनी है तो एक कानून का होना भी बहुत ज़्यादा आवश्यक है, एक प्रतिबंध का होना भी बहुत ज़्यादा आवश्यक है। अगर हम व्यक्ति को, अगर हम नागरिक को बिना मतलब कुछ भी इसको स्वतंत्रता दे रहे कि भाई हाँ आप कुछ भी कर सकते हो, तो वो स्वतंत्रता नहीं होगी, वो उसका सही अर्थ नहीं होगा। तो इसलिए यहाँ पे बताया गया कि कानून और स्वतंत्रता जो है उसमें कुछ ना कुछ ऐसा संबंध है जो दोनों ही एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, ठीक है। जो कानूनों द्वारा ऐसा वातावरण उत्पन्न करता है जिसमें व्यक्ति अपनी स्वतंत्रता का आनंद उठा सकता है। राज्य नागरिकों की स्वतंत्रता की रक्षा करता है, ठीक है। जो राज्य है, जो कि एक सरकार है, यहाँ पे राज्य का संबंध किससे है, सरकार से है, आपको ये याद रखना है। राज्य यहाँ पे कोई स्टेट नहीं है, आपको ये याद रखना है। राज्य जो है एक सरकार है, तो सरकार नागरिकों की स्वतंत्रता की रक्षा करती है। जो भी सरकार आएगी, जिसको भी सबसे ज़्यादा बहुमत मिलेगा, वह नागरिकों की स्वतंत्रता की रक्षा करेगी, ठीक है। लोगों के, उनके कानून, जो भी उनके अधिकार है उनके प्रति उनको जागरूक करेगी, ठीक है। यहाँ पे एक लाइन कही गई है, आपको देखिए बहुत ध्यान से यहाँ पे समझना है। लोगों ने ठीक ही कहा है, जहाँ कानून नहीं वहाँ स्वतंत्रता नहीं, ठीक है। जहाँ पे प्रतिबंध नहीं, ठीक है, जहाँ पे प्रतिबंध नहीं, जहाँ पे कोई भी, अगर कोई भी व्यक्ति कोई भी हस्तक्षेप नहीं करा तो वहाँ पे स्वतंत्रता हो ही नहीं सकती, फिर तो सभी व्यक्ति अपनी तानाशाही करेंगे। तो यहाँ पे सीधा सीधा ये बताया गया है कि स्वतंत्रता जो है और जो कानून है उसमें एक संबंध है, जहाँ पे कानून होता है वहाँ पे स्वतंत्रता होती है, ठीक है। तो ये दोनों में संबंध है। तो स्टूडेंट्स, आज का जो चैप्टर है हमारा, चैप्टर 4 स्वतंत्रता,
वो यहीं पे कंप्लीट होता है। अगर आपको वीडियो से रिलेटेड जो भी डाउट्स होता है, कोई भी टॉपिक हो ऐसा जो आपको बिल्कुल भी क्लियर नहीं हुआ हो, तो वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। एंड अगर आपको किसी भी चैप्टर से रिलेटेड अगर आपको इस चैप्टर की नोट चाहिए तो आप हमें गिवन नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। एंड अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को जो लाइक शेयर एंड कॉमेंट करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स ग्रुप में भी आप शेयर करें जिन्होंने भी एमपीएस अपना लिया है, जो भी पॉलिटिकल साइंस में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ है। ओके, एंड अगर आपको किसी अदर टॉपिक पे वीडियो चाहिए स्टूडेंट्स, तो वो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। एंड जो भी मेरे पहले के चैप्टर्स हैं उनको मैं उनका जो लिंक है वो मैं आपको एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, और आप डायरेक्ट आई बटन पर क्लिक करके भी आप उन वीडियोज़ को हमारे देख सकते हैं।